छह साल पुरानी ओसीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छह साल पुरानी ओसीडी ठीक हुई है और मात्र 19 दिनों में ठीक हुई है। समझेंगे काफी डिटेल में आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि 6 साल पुरानी ओसीडी किस तरीके से ठीक हुई और मात्र 19 दिनों में ठीक हुई है, क्या एफर्ट लगाया सफर ने, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। महाराष्ट्र अकोला से एक महिला थी 28 वर्षीय, जिनको कंटेमिनेशन ओसीडी का और ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम था। 6 वर्ष पहले वह महिला अपने कॉलेज के एग्जाम देने के लिए गई थी और वहाँ उससे रिलेटेड उसने कुछ वीडियोस वगैरह देख लिया। सारी बात तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, तो उससे रिलेटेड उसने वीडियो देख लिया और वहाँ उसको कुछ परेशानी होने लगा, धीरे धीरे ओवरथिंकिंग होने लगी और उसके बाद में उनको कंटेमिनेशन ओसीडी हो गया। अब कंटेमिनेशन ओसीडी और ओवरथिंकिंग दोनों साथ साथ चलते रहे, ओवरथिंकिंग का भी प्रॉब्लम था और ओसीडी का भी प्रॉब्लम था। तो यह सारी प्रॉब्लम उनका 19 दिन में ठीक हो गया। अब 19 दिन में उनका प्रॉब्लम ठीक किस तरीके से हुआ, इसको हम समझेंगे। 19 दिन में उनको सेल्फ हीलिंग, स्पॉटलाइट इफेक्ट और सबसे कारगर जो टेक्निक थी वह अब बताने वाला हूँ, इसको समझिए। उनके लिए सबसे कारगर टेक्निक थी वह थी धन्यवाद टेक्निक। इस तकनीक का उन्होंने जितना इस्तेमाल किया और क्या रिजल्ट निकल करके आया, पीछे बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, आज की इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, धन्यवाद तकनीक का इस्तेमाल करिए, इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद तकनीक का इस्तेमाल करिए, इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। यह प्रॉब्लम जो उनका 19 दिन में ठीक हुआ है ना, इसमें धन्यवाद तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। जब उनसे मैंने पूछा कि आप इसमें क्या हमें बताना चाहोगे कि जिसके माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है, तो धन्यवाद तकनीक सीधी सी बात आई, धन्यवाद तकनीक। पर धन्यवाद तकनीक से उन्होंने कहा सिर्फ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ और बहुत कुछ अचीव किया है मैंने, तो सारी बातें तो यहाँ नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ यहाँ ओसीडी से रिलेटेड है। तो ओसीडी उनकी ठीक हुई है धन्यवाद तकनीक से। अब उनकी ओसीडी तो ठीक हो गई, अगला नंबर आपका यह हम आपको क्यों बता रहे हैं, यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उनकी ओसीडी तो ठीक हो गई, आप अपनी ओसीडी को कब ठीक कर रहे हो, आप अपने लिए कब प्लान बना रहे हो, आप कौन सा टिप्स ट्रिक्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पीछे मैंने इसी 2024 का जो पहला वीडियो हमारा आया है ना, उसके अंदर मैंने उस दिन भी बोला था कि कितने लोग अपनी ओसीडी को ठीक करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ आज मेरी ओसीडी ठीक हो गई, यस नो करिए। उस पर आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम कोई 10-11 लोगों ने मुश्किल से उस पर यस यस लिखा। अब देखो इतने लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उसमें से सिर्फ 10 से 12 लोग ही चाहते हैं कि मेरी ओसीडी ठीक। जो लोग खुद से दिल में ये चाहती पैदा नहीं कर पा रहे कि मेरी ओसीडी ठीक हो जाए, तो वो ओसीडी के लिए एफर्ट कितना लगाते होंगे, ये सोचो एक बार के लिए, सोच कर देखो। आपका काम एफर्ट लगाना है, पहले चाहत तो पैदा करो ना अपने अंदर कि हाँ मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, तो फिर इसके अंदर आप प्रयास करोगे। वहां यस लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप यहाँ चाहत ही पैदा नहीं कर रहे अपने लिए, चाहत तो पैदा करो अपने लिए, मैं यही तो कहता हूँ, चाहत तो पैदा करो। अब कितने लोग हैं जो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि हाँ मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, एफर्ट लगाओ। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप इस्तेमाल तो करिए, रिजल्ट मिलेगा। करके देखने में क्या जाता है, मात्र वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करो, अप्लाई करने से रिजल्ट मिलेगा। हमेशा बोलता हूँ अप्लाई करने से रिजल्ट मिलेगा, अप्लाई करो रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, करके देख लो। और आज के इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आपको कि धन्यवाद तकनीक का इस्तेमाल करो, इससे रिलेटेड 3-4 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ पहले भी, उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके अंदर जो फॉर्मूले बताए हैं अप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि उनकी ओसीडी तो ठीक हो चुकी है, अब अगला नंबर आपका है, आप भी प्रयास करिए आपकी ओसीडी भी ठीक हो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही।